प्रारूपी वर्गीकी और आधुनिक वर्गीकी के पश्चात हम लोग देखेंगे वर्गीकरण क्यों। हम लोग जंतु जगत और पादप जगत का वर्गीकरण करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं पहले उसका रीजन देखते हैं, ठीक है। पहला है वर्गीकरण में समानता व असमानता के आधार पर समूहीकृत करते हैं। वर्गीकरण जब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यों करते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं या फिर जितने भी पादप होते हैं उनके नामों को या फिर उनकी जो पहचान होती है उसमें जो उन उसके अनुसार जो उन प्रकार के जंतु होते हैं या फिर उस प्रकार के पादप होते हैं उनमें स्पेसिफिक कौन होता है, कौन कैसा होता है, उनके जो समानताएं होती है अलग अलग जंतुओं के साथ या फिर असमानताएं होती है, विभिन्नताएं होती है, उनको समूहीकृत करते हैं, मतलब एक समूह में रखते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, सजीवों का अध्ययन आसान हो जाता है। लगभग 17 से 18 लाख जीव जो है उनका स्मरण में है कि हाँ इतने जीव हैं, लेकिन उनमें जो समानताएं, उनमें से जो पर्टिकुलर समानताएं हैं जिनमें और विभिन्नताएं हैं उसको अलग अलग करके एक एक ग्रुप में बांटते हैं। उससे क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, उन लोगों का पहचान समानता के आधार पर करते हैं तो उन लोगों का पहचान क्या हो जाता है, पहचान करने में आसानी होती है, इसलिए हम उसका पहचान कर सकते हैं, ठीक है। फिर समान तरह के जीवों का अध्ययन अत्यंत सुगम होता है। एक प्रकार के ग्रुप में ही अगर एक ही प्रकार के जीव रखे होंगे और सारे के सारे लोगों का नाम रखा होगा तो क्या होगा, वो आसान होगा। फिर क्या होता है, दो अलग अलग समूहों के बीच में अंतर को देखो, समानता में तो उन लोगों का पहचान इजली हो गया, लेकिन उनके बीच जो असमानताएं होती है, विभिन्नताएं होती है, तो अलग अलग ग्रुप में है तो उनका जो पर्टिकुलर असमानता होती है उसके आधार पर उन दोनों में अंतर विभेद कर सकते हैं और उन लोगों को पृथक कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, ठीक है, और समूहीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया में जीवाश्मों का अध्ययन कर विभिन्न वर्गकों के बीच विकासीय संबंध, जीवाश्म क्या होता है, जो जीव पूर्व काल में बहुत पहले क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, जीवाश्म बन जाता है चट्टानों के नीचे, पर्वतों के नीचे या फिर रेतों के नीचे, इसमें क्या होता है जीवाश्म, तो जीवाश्मों को निकालते हैं। उसके बाद उसमें जो विकास, वृद्धि और विकास हुआ होता है उससे क्या करते हैं, उसके जीवन चक्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर उससे क्या करते हैं, उसके समान पाए जाने वाले प्रेजेंट में ना, वर्तमान में उसके समान पाए जाने वाले जंतुओं में क्या करते हैं, उससे उस पुराने जीवाश्म में जैसा वृद्धि और विकास हुआ है उसके पश्चात अब तक जितने भी वृद्धि और विकास हुए हैं उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनके बीच हम लोग क्या समानताएं और क्या कैसे कैसे वृद्धि और विकास हुआ है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर। अब देखते हैं आगे में वर्गीकरण अथवा वर्गीकरण का महत्व, वर्गीकरण क्यों आवश्यक है ये तो हम लोगों ने जान लिया कि अब वर्गीकरण का महत्व क्या होता है उसको देखते हैं। इससे क्या होता है, जीवों में पहचान अध्ययन आसान हो जाता है, हम लोग उसको पहचान आसानी से सकते हैं, उसका अध्ययन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, उसमें जो समानताएँ असमानताएँ गुण और जो भी उसका वृद्धि और विकास या जीवाश्मों की तुलना करके हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें वर्गीकरण के विभिन्न इकाई, जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण कैसे करते हैं उसको आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन हम लोग उसका कैसे करते हैं, समूह में अध्ययन करते हैं, पहले जाति फिर वंश फिर कुल गण ऐसे करके उसका एक लाइन होता है, एक सिस्टमेटिक लाइन होता है, उसकी क्रमबद्धता होती है, उसी क्रम के अनुसार हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, उस जंतु के संपूर्ण वृद्धि विकास और संपूर्ण कुल गण संघ सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके द्वारा जीव जातियों के विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंधों को आसानी से समझा जा सकता है। अभी हम लोग वर्गीकरण क्यों करते हैं उसको पढ़ा, तो उसमें हमको पता चला कि उसके समानताओं और विभिन्नताओं के बीच जो अंतर होता है उसके आधार पर क्या होता है, उसके बीच हम लोग अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं कि किसमें संबद्धता हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं परिवर्तनशील वर्गीकरण की आवश्यकता के कारण। पूर्व में क्या होता था, कुछ वैज्ञानिक जो थे वो अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण करते थे, है ना। अभी क्या है, वर्तमान में जो वैज्ञानिक है, मतलब आज से कुछ दशकों पहले जो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस जो जटिलता के साथ जब हम लोग अध्ययन करते थे, किसका अध्ययन करते थे, जटिलता के साथ जंतु और पादप के पहचानों के लिए उनका वर्गीकरण करते थे, तो वो टाइम पे वो क्या होता था, जटिल होता था, जिससे उनकी नामों को याद करना आसान नहीं होता था। लेकिन अब क्या, पहले क्या होता था, बहु नामकरणीय वाला जो था ना सिस्टम, वो वाला सिस्टम लागू होता था। अभी क्या है, द्विनामकरण प्रणाली और कभी कभी त्रिनामकरण प्रणाली का यूज होता है वर्गीकरण के लिए, लेकिन पहले क्या होता था, बहु नामकरण प्रणाली का यूज होता था अधिकतर। ये तीनों प्रणालियों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि परिवर्तनशील वर्गीकरण आवश्यक क्यों है। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन की प्रकृति एवं पद्धति के समय
के साथ निरंतर अन्वेषणों के चलते रहने के कारण बदलती रहती है। ये क्या होता है, वैज्ञानिक अलग अलग वैज्ञानिक जब आते हैं उसमें जो जो अध्ययन करते हैं तो उसमें जो प्रकृति होती है और उस समय में जो अनुकूलन होता है उसके निरंतर अन्वेषण मतलब निरंतर जब साइंटिफिक वो चीज़ चलते रहता है उसमें क्रमबद्धता आती रहती है तो क्या होता है उसमें बदलाव आवश्यक हो जाता है। नई नई खोजों से नए नए तथ्य एवं ज्ञान प्राप्त होता रहता है उस कारण वर्गीकरण परिवर्तनशील होता है। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है पहले ये देखते हैं, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है, हम लोग वर्गीकरण से उसके जाति उसके वंश उनके संपूर्ण कुलों का हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, ठीक है। वर्गीकरण क्यों होता है, क्योंकि उस जाति में उस संघ में या उस जाति में जितने भी जीव रहते हैं उस समूह में जितने भी जीव हैं उनके क्या होना चाहिए, उनका नाम जो है उनका जो अस्तित्व है उनकी पहचान जो है वो ज्ञात की जा सके। हमारी पृथ्वी में अनेक प्रकार के जीव विद्यमान हैं, उसमें पादप जगत के भी जीव हैं और जंतु जगत के भी जीव, उसमें निम्न वर्गीय जीव भी उपस्थित है और उच्च वर्गीय जीव भी उपस्थित है। तो सारे जीव जगत में क्या होता है वर्गीकरण आवश्यक होता है। तो कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। अच्छा, वर्गीकरण के पश्चात हम लोग देखते हैं नामकरण। वर्गीकरण क्यों आवश्यक है तुमको पता चल गया, अब नामकरण कैसे होता है किसी भी जंतु का ये देखते हैं। जो वर्गीकरण होता है या फिर नामकरण होता है किसी भी जीव जगत में किसी भी जंतु या पादप का वो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। क्यों होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक, हमको कैसे पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ये क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया है जिसमें क्या होता है उस जगत में जितने भी जीव विद्यमान हैं वो उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम लोग किसी भी जंतु की बात करते हैं, अगर हम लोग सामान्य गौरैया की बात करते हैं वो क्या होता है, अगर हम लोग इंडिया में गौरैया के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्या बोलना चाहिए स्टेट्स में क्या होता है इस गौरैया को भी हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इंडिया में इतने डिफरेंसेस हैं अलग अलग विभिन्नताएं हैं उसके नामों में तो ये क्या होगा अलग अलग कंट्रीज में उनके कितने सारे नाम हो जाएंगे। तो क्या होगा जब हम लोग अपने ज्ञान को आदान प्रदान करते हैं मतलब जब हम लोग इस टाइप की बात करेंगे किसी को गौरैया के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे तो क्या होगा उस समय जितने भी लोग हैं वो समझ पाएंगे क्या, अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग स्टेट के लोग नहीं समझ पाएंगे ना अपने अपने लैंग्वेज के कारण। तो क्या होता है इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पर एक नाम दिया गया है उसके जाति और वंश को मिलाकर, ठीक है। तो जाति और वंश को मिलाकर एक नाम दिया जाता है जो सर्वमान्य होता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्य होता है। तो नामकरण क्यों आवश्यक है ये तो पता चला, अब नामकरण होता क्या देखते हैं। वर्गीकी में किसी पौधे या जंतु की पहचान के पश्चात उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली के नियमों के अनुसार नाम देने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। हम लोगों ने अभी गौरैया का उदाहरण लेके देखा कि हम लोग नामकरण क्यों आवश्यक है, उसका परिभाषा यही है कि वर्गीकी में किसी पौधे या जंतु के पहचान के पश्चात उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर उसके मान्य प्रणाली पर जो संस्था काम करती है उसके अनुसार नियमों के अनुसार उन्होंने अपनी रूल्स बनाई हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिसके नाप तौल के आधार पर क्या होता है किसी भी जंतु या पादप को नाम दिया जाता है, उसे इस प्रक्रिया को उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं नामकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या होता है इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये है कि ये जो नाम होता है वो वैज्ञानिक नाम कहलाता है पहली बात। दूसरी बात क्या होता है ये पूरे विश्व में हर जगह पर स्वीकार्य होता है, इसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता, प्रत्येक जीव को केवल एक ही नाम दिया जाता है अलग अलग नाम नहीं दिया जाता है क्यों उसमें कोई भी चेंजेस हो, पर्टिकुलर एक ही नाम दिया जाता है। जीवों को वैज्ञानिक नाम देने के लिए निम्नलिखित पद्धतियां अपनाई गई, कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई गई है जीवों को नाम देने की हम लोग उसको देखते हैं। पहला था जब सबसे शुरू आया आपका इंटरनेशनल लेवल पर नामकरण देने के प्रोसेस का, तब क्या हुआ तब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या फिर उस जो अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाई गई होगी उसमें क्या उस संस्था में क्या था बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया एक सिद्धांत दिया जिसको क्या बोलेंगे बहुपद नामकरण पद्धति। बहुपद मतलब क्या होता है, बहु मतलब होता है बहुत सारे, पद मतलब होता है
क्रम। तो बहुत सारे नामों को एक साथ जोड़कर क्या करते थे, किसी भी जंतु या पादप का नाम दिया जाता था, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपद नामकरण पद्धति। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, अगर कोई भी पादप या जंतु का नाम ले लेते हैं तो उसका क्या है, उसका नाम, वंश, कुल, गण, संघ इत्यादि को क्या करते थे, एक साथ लिखा जाता था, जो क्या होता था, बहुत लंबा हो जाता था, जिसको पढ़ना भी मुश्किल होता था और बोल पाना भी मुश्किल होता था और याद रखने में भी कठिनाई आती थी। और सारे जो हमारे पूरे विश्व में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो क्या करते थे, इस नाम को समझने में उनको कठिनाई आती थी, इसलिए इस जो प्रोसेस है उसको पसंद नहीं करते थे। इसके बाद क्या आया, ये वाला जो सिद्धांत था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर जब कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि अगर बहुपद नाम करण चलता रहा तो ऐसे में सारे जो जीव है उनका नामकरण करना मुश्किल भी होगा, पढ़ना भी मुश्किल होगा, समझना भी मुश्किल होगा और बोलने और याद करने में भी कठिनाई आएगी। तो उन्होंने क्या किया, द्विनाम प्रणाली का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके उसमें क्या होता है, उदाहरण बाद में देखेंगे, उसमें क्या होता है, इसमें कि प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं, चाहे वो जंतु हों या पादप हों, उसको क्या हुआ, उसको उसके नाम को, वैज्ञानिक नाम को क्या कहते हैं, सिर्फ दो शब्दों वाला रखा गया। ठीक है, पहला जो शब्द होता है उसका वंश से, जो उसका वंश होता है जंतु का या जीव का, पहला जो नाम होता है वो वंश से लिया गया, और जो दूसरा उपनाम होता है उसको क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। ठीक है, तो वंश और जाति को मिलाकर पहला जो शब्द होता है वो वंश होता है, दूसरा जो नामकरण में शब्द होता है उसको जाति बोलते हैं। उन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या किया, द्विनामकरण प्रणाली का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो द्विनामकरण सिद्धांत जो था उसमें क्या है, अगर हम लोग देखते हैं उसका उदाहरण, तो शेर जिसमें लिखा है पैंथेरा लियो, जो पैंथेरा है वो क्या है, वंश है उसका, और लियो जो है वो क्या है, जाति है उसका। ठीक है, जैसे बाघ पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा जो है वो उसका वंश है, टाइग्रिस जो है उसका जाति है। तेंदुआ पैंथेरा पाइस, जो पैंथेरा है वो क्या है, उसका वंश है, और पाइस जो है वो उसका जाति है। वैसे ही अगर देखेंगे मैंगो आम, उसका क्या है, पादप जगत में अगर देखते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। वैसे मनुष्य का, सारे जंतु, सारे जीव, सारे पादप का नाम ऐसे ही होता है, वैज्ञानिक नाम, पहला जो नाम होता है वो वंश से लिया जाता है, दूसरा जो नाम होता है वो जाति से लिया जाता है, इसलिए इसमें दो नाम उपस्थित होते हैं, इस कारण से द्विनामकरण प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, इसके जो रूल्स है वो देखते हैं, उसके जो नियम है द्विनामकरण प्रणाली के, जो नियम है जिसे कैरोलस लिनियस ने बताया था वो देखते हैं। पहला बोलता है प्रत्येक जीवधारी दो शब्दों का स्पष्ट वैज्ञानिक नाम वाला होता है, पहला वंश होता है, दूसरा जाति होता है, हम लोग पहले ही पढ़े। तो जीवों का जो नाम होता है उसको कैसे लिखा जाता है, लैटिन अक्षरों में लिखा जाता है, लैटिन जो भाषा लैंग्वेज जो होता है उसमें लिखा जाता है, और उसे तिरछा लिखा जाता है, उसे सीधा नहीं लिखा जाता है, किसे, वैज्ञानिक नाम को। ठीक है, फिर तीसरा बोलता है कि वंश का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, जिसमें जो वंशीय नाम का पहला अक्षर होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, और जो जाति नाम होता है उसको क्या होता है, उसके सभी अक्षर जो होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं, छोटे अक्षरों में होते हैं। लेकिन हिंदी में अगर लिखेंगे तो उसमें तो कैपिटल और स्मॉल लेटर की बात ही नहीं हो सकती, इसलिए उसको बड़े और छोटे अक्षरों जैसी भिन्नता में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको क्या बोलते, अगर हिंदी में लिखते हैं तो इसको मोटे मोटे अक्षरों में लिखते हैं, इसको टेढ़े और कैपिटल और स्मॉल लेटर के भिन्नता में हम लोग नहीं डाल सकते, इसलिए इसको मोटे अक्षरों में लिखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि वंशीय नाम जो होता है, इसका जो पहला हम लोग वंश नाम लिखते हैं वो क्या होता है, संज्ञा होता है, तथा जो जातीय नाम क्या होता है, विशेषण होता है। संज्ञा और विशेषण हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, संज्ञा मतलब क्या होता है, नॉर्मल चीजें जो होती हैं वो होगी, नॉर्मल थिंग्स, और विशेषण मतलब जो विशेष होता है, मतलब जो विशेष जाति से संबंधित होता है, इसलिए इसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जाति लिखते हैं, और ये क्या होता है, संज्ञा जो होता है वो बेसिक चीज होता है ना, स्टार्टिंग का, इसको इकाई भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पहला जो वंशीय नाम होता है वो संज्ञा होता है, और जो जाति नाम होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। आगे देखते हैं,
किसी जाति के नाम को पहली बार प्रकाशित करने वाले लेखक का नाम जाति के बाद लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर देखते हैं हम लोग कैरोलस लिनियस, उदाहरण देखते हैं इसका। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, मनुष्य के लिए वैज्ञानिक नाम दिया था होमो सेपियंस, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो इसने क्या किया था, इसका नाम दिया जिसमें होमो क्या है उसका वंश है और सेपियंस जो है वो जाति है। जो होमो और सेपियंस, जो होमो जो है वो संज्ञा होता है, सेपियंस जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक है। वंश और जाति नाम दिया, तो इसके नाम के आगे क्या लिखते हैं, अगर हम लोग मनुष्य का नाम लिख, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं होमो सेपियंस, तो उसके आगे क्या लिखते हैं, एल, या फिर लिनियस का एल आई डबल एन लिन, ठीक है, एल लिखेंगे या लिन लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका प्राधिकृत चिन्ह होता है। अगर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया है इस जीव के लिए, अनेक वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की है और उसका नामकरण पद्धति अपनाया है, तो क्या करेंगे, उसका जाति नाम को ही उसका प्रमाणित, उसके वंश अथवा जातीय नाम को ही उसका प्रमाणित नाम मान लिया जाता है। उसके आगे में उन वैज्ञानिकों का नाम तिरस्कृत कर दिया जाता है अथवा पर्यायवाची शब्द के रूप में लिया जाता है, सारे लोगों का नाम नहीं लिखा जाता, क्लियर। आगे देखते हैं, जंतुओं के वंश के नाम के अंत में इनी प्रत्यय जोड़कर कुल का नाम लिखते हैं। जब हम लोग वंश का नाम लिखते हैं, है ना, तो कुल का नाम कैसे लिखते हैं, इन प्रत्यय जोड़कर, इनी प्रत्यय जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। वनस्पतियों, अगर जंतुओं की बात करते हैं तो उसका वंश के अंत में क्या लिखते हैं, इनी प्रत्यय लिखेंगे और उसका उपजाति या उपकुल का नाम हो जाता है, कुल का नाम हो जाता है, ठीक है। फिर वनस्पतियों की स्थिति में क्या करते हैं, वंश के स्थान पर एसी, वंश के साथ एसी प्रत्यय जोड़ते हैं और क्या करते हैं, उसके कुल का नाम बनाया जाता है। आगे देखते हैं वर्गीकी संवर्ग के अनुसार त्रिनामकरण प्रणाली, ठीक है। त्रिनामकरण प्रणाली हमारे बुक में ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, लेकिन इसका एक सिद्धांत था कि त्रिनामकरण प्रणाली में क्या होता था, वंश प्लस जाति प्लस कुल, वंश प्लस जाति प्लस कुल, तीनों का नाम लिखा जाता है। कभी कभी कुछ स्थितियों में क्या होता है कि कुल भी कुछ अलग हो जाते हैं। अगर वंश और जाति सेम होता है जीवों का, या फिर जीवों का जंतु या पादप हो, तो उन्हें क्या होता है, उसका जो कुल होता है वो अगर स्पेसिफिक होता है या फिर थोड़ा अलग होता है, तब क्या कहते हैं, उसमें वंश जाति और कुल तीनों का नाम एक साथ जोड़कर लिखा जाता है। लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, एकदम अंत की स्थिति में जब बहुत सारी चेंजेस आ जाती है उसमें, तब होता है, ठीक है। तो अगर आज के डेट में सर्वमान्य देखते हैं हम लोग, तो क्या होगा, द्विनामकरण प्रणाली ही हमारा मुख्य होता है। उसके बाद क्या है, वर्गीकी संवर्ग, संवर्ग के अनुसार वर्गीकरण कैसा होता है। वर्गीकी संवर्ग के अनुसार सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, जाति होता है। जाति जो होता है वो बेसिक होता है, या इकाई बोल सकते हैं इसको। ये क्या होता है, जाति, जो जंतु जो होता है वो किस जाति से बिलोंग करता है उसको देखते हैं, ठीक है। फिर जो जातियों का समूह होता है, मतलब अब एक जाति में दो जंतु हैं, ठीक है, फिर दूसरी जाति में दो जंतु हैं जिनमें समानताएं पाई जाती है, तो उन ऐसे ही बहुत सारे जातियों के समूह को क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं, एक वंश बोलते हैं, उसी के समान जीव पाए जाते हैं उन जातियों में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वंशों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, कुल बोलते हैं, ठीक। कुलों के समूह का, कुल में क्या होता है, उसमें अगर इसमें एक समानता, इसमें क्या होता है, अगर इसमें के लिए एक स्पेसिफिक समानता निकालते हैं, और इसमें क्या होता है, उसमें भी इस वंश में भी वो समानता उपस्थित है, इस वंश में भी वो समानता उपस्थित है, और इस वंश में भी वो समानता उपस्थित है, तो तीनों वंशों को, या फिर इससे अधिक भी हो सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल के रूप में है, तो इन सभी के ग्रुपों को, इन सभी के समूहों को क्या बोलते हैं, एक साथ कुल बोलते हैं। उसी के अनुसार बहुत सारे कुलों में अगर समानताएं एक जैसी पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, गण बोलते हैं, और ऐसे ही गण से वर्ग, वर्ग से संघ, और संघ से जगत बनता है, ठीक है। तो जगत दो प्रकार का होता है, जगत जो होता है सबसे बड़ा इकाई होता है वर्गीकरण का, ये दो प्रकार का होता है, ये क्या हो गया आपका पादप जगत, और ये हो गया जंतु जगत। अगर आधुनिक वर्गीकरण देखेंगे तो हमारे विश्व में पांच जगत उपस्थित होते हैं, उसको आगे देखेंगे। अभी सिर्फ वर्गीकरण देखते हैं कि कैसा होता है वर्गीकरण। तो सबसे बेसिक क्या होता है, जाति होता है, जाति के बाद वंश होता है, वंश के बाद कुल होता है, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद क्या हो गया जगत। अगर मेंढक का उदाहरण देखेंगे
तो उसका जाति से वंश कुल गण स्वर्ग संघ और जगत आदि नामों का विवेचना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं अगर अगर मेंढक के अलावा अगर हम देखते हैं गेहूं का तो वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्राइटिकम एक्सिवम। ठीक है, तो इसका वंश क्या है, ट्राइटियम। उसके बाद जो कुल है वो क्या है, पेएसी कुल। ठीक है, पेएसी कुल के बाद जो गण है वो क्या है, पोएलेस। वर्ग क्या है, एक बीजपत्रीय। फिर जो संघ है वो क्या है, आवृत्त बीजी। जगत क्या है, पादप जगत। ठीक है, वैसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं आम का अगर, तो मैंगीफेरा जो है, मैंगीफेरा इंडिका उसका वैज्ञानिक नाम होता है, मैंगीफेरा इंडिका। में जो मैंगीफेरा होता है वो वंश होता है, इंडिका जो होता है वो जाति होता है। ये क्या है, ये जाति है। एक्सिवम जो भी है ये भी क्या है, ये जाति है इसका। मैंगीफेरा जो है वंश होता है, कुल जो होता है एनाकार्ड्रिस होता है, कार्ड्रियसी होता है। जो गढ़ होता है वो सेपिंडेलस होता है। वर्ग जो है वो द्विबीजपत्रीय पौधा होता है, ये भी पौधा नहीं होता, ये पेड़ होता है मैंगीफेरा इंडिका का। और ये क्या होता है, आवृत्त बीज होता है, और ये भी पादप जगत में स्थित है। ठीक है, आप देखते हैं वर्गक एवं श्रेणी क्या होता है, और वर्गक और श्रेणी में अंतर क्या होता है। वर्गक जो होता है वर्गीकी का इकाई को सूचित करता है, मतलब वो जो बेसिक चीज होता है वर्गीकी का उसको सूचित करता है। या फिर श्रेणी जो होता है ये किसी विशेष वर्गीकीय पदानुक्रम को दर्शाता है, मतलब कोई विशेष पदानुक्रम, जैसे वंश कुल हो गया ना आपका, यहाँ दिया हुआ है वंश कुल गण संघ गण वर्ग संघ जगत, इसको दर्शाता है। इसमें जो विशेष होता है उसको कौन दर्शाता है, श्रेणी दर्शाता है। ठीक है, ये क्या है, वर्गक जैविक वस्तुओं का वास्तविक समूह है तथा किसी भी श्रेणी से संबंध हो सकता है। ये वास्तविक समूह होता है तथा इसका किसी भी श्रेणी से संबंध हो सकता है, मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, जो श्रेणी होता है वो जैविक वस्तुओं का अमूर्त समूह है जिसका श्रेणी निर्धारित होती है, मतलब पहले से ही जिसका वर्गीकरण निश्चित होता है वो क्या होता है, श्रेणी कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, वर्गक, इसका ये श्रेणी से संबंध हो सकता है, मतलब अलग अलग श्रेणियों से भी कुछ संबंध हो सकता है। ये क्या होता है, यह एक स्त्रोतभवी तथा बहुस्त्रोतभवी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग श्रेणियों से भी संबंध हो सकता है, समानताएं हो सकती है। इसमें क्या होता है, ये लघु या दीर्घ, ये शीघ्र पदानुक्रम को दर्शाता है। जो श्रेणी होता है वो लघु होता है, जैसे हमारा वन जाति कुल गण संघ वर्ग जो होता है वो क्या होता है, श्रेणी होता है, तो उसका क्या होता है, बहुत इजली हो जाता है वो, लघु और शीघ्र भी हो सकता है। ठीक है, लघु मतलब होता है छोटा, शीघ्र मतलब होता है जल्दी, अगर वो छोटा होता है जिससे उसको हम लोग याद करना और बताने में हम लोग को जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो उसके बाद आगे देखते हैं जाति तथा वर्गक में अंतर। अभी हम लोग पढ़े थे जाति वंश और जाति में डिवाइड होता है द्विनामकरण प्रणाली, तो अब देखते हैं जाति तथा वर्गक में अंतर। वर्गक क्या होता है और जाति क्या होता है इसको देखते हैं। जाति तो हम लोगों को पहले से पता है, वर्गक क्या होता है, जो श्रेणियां होती है उसको बोलते हैं, जो पूरे श्रेणी में जो प्रोसेस होता है, जो हमारा वंश कुल गण संघ जो वर्गीकरण है उसको क्या बोलते हैं, वर्गक बोलते हैं। वर्गक मतलब क्या होता है, जितने भी हम लोग वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, जिसमें अध्ययन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्गक बोलते हैं। ठीक है, तो जो जाति होता है वो क्या होता है, ये वर्गीकी की आधारभूत इकाई है, मतलब बेसिक चीज है। ठीक है, यहीं से क्या होता है, वर्गीकरण शुरू होता है। वर्गक क्या है, इसमें विशिष्ट पदानुक्रम को सूचित करता है। ठीक, या क्या है, ये किसी विशिष्ट जीव को सूचित करता है। जो जाति होता है वो किसी विशिष्ट जीव को सूचित करता है। ये क्या होता है, वर्गक जो होता है हम लोग अध्ययन करते हैं, इसका मतलब उसका वंश से लेकर जगत तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, उसके पूरे समूह का सूचित करता है। ठीक है, ये हमेशा एक स्त्रोतभवी होता है, ये बेसिक होता है, ये एक, इसलिए एक स्त्रोतभवी होता है, इसमें सिर्फ एक ही जंतु का अध्ययन कर सकते हैं। वर्गक जो होता है ये एक स्त्रोतभवी या बहुस्त्रोतभवी हो सकता है। क्यों बहुस्त्रोतभवी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग जगत तक जाते हैं वर्गीकरण में, मतलब हम लोग वंश से लेकर जगत तक जाते हैं, तो बहुत सारे जीव उसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बहुस्त्रोतभवी बोलते हैं, हो सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, वर्गीकीय अध्ययन सामग्री का साधन। अभी हम लोग वर्गक पढ़े तो वर्गीकीय संवर्गक पढ़ेंगे, या फिर वर्गिक
वर्गीकीय क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो वर्गीकीय क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्गक का या फिर पूरे वर्गीकरण का अध्ययन एक साथ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्गीकीय बोलते हैं। ठीक है, तो वर्गीकीय का अध्ययन हम लोग कैसे कर सकते हैं, वर्गीकीय का अध्ययन हम लोग करने के लिए हमको ये सारे चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, पहला क्या होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, इसको हम लोग मैं तो दो शब्दों में बोलूँ तो जो हम लोग पेड़ पौधे होते हैं हम लोग उसमें के जो पेड़ पौधों को हम लोग सुखा कर क्या करेंगे, एक फाइल वाइल बना लेते हैं, उसका अध्ययन हम लोग बाद में कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हर्बेरियम। वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान क्या होता है, वर्गीकी का अध्ययन हम लोग कौन कौन से श्रेणी में करते हैं पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डिटेल पढ़ेंगे। हर्बेरियम के रूप में, वानस्पतिक उद्यान के रूप में, संग्रहालय के रूप में, जंतु उद्यान के रूप में, वर्गीकीय कुंजियों के रूप में, वर्गीकीय साहित्य के रूप में। अब देखते हैं आगे हर्बेरियम क्या होता है। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है, जिसमें वानस्पतिक पौधे लेते हैं जिसका अगर अगर हम लोगों को अध्ययन करना है या फिर उसको संग्रह करके रखना है तो क्या करते हैं हम लोग, उस पौधे के पत्तियों को या फिर उस पौधे के जिस चीज़ों को हम लोग को संग्रह करना है उसको हम लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, सुखा कर एक फाइल में रखते हैं, और एक हर्बेरियम संग्रहालय होता है। ठीक है, वहाँ उसको क्या करते हैं, रखते हैं। हर्बेरियम का निर्माण कैसे करते हैं पहले देखते हैं। ठीक है, उस पौधे या पत्तियों को सुखा लिए हम लोग, उसको दबा लिए, एक फाइल में रख दिए, लेकिन हमको बाद में जब अध्ययन करना है उस क्या बोलना चाहिए, उस विशेष समूह का या उस विशेष पादप का, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पादप है, उसमें कौन कौन से गुण विद्यमान थे, या फिर वो कौन से जगत समूह वर्ग संघ कुल गण वर्ग आदि में प्रेजेंट था या फिर है, उसको कैसे अध्ययन करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर्बेरियम फाइल का निर्माण करते हैं। हर्बेरियम फाइल जो होता है उसका हम लोग नामांकन कैसे करते हैं, उसमें लिखते हैं क्रम संख्या, मतलब हम लोग कितने संख्या में हर्बेरियम का निर्माण, हर्बेरिया का निर्माण किया। जैसे अगर हम लोग पहला वाला लेते हैं, मतलब हम लोग 10 हमको 10 पौधों का हर्बेरिया बनाना, हर्बेरियम बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग उसको क्रम में लिखेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद कहाँ से संग्रह किए हैं, उस पौधे को कहाँ से संग्रह किए हैं, मतलब कौन से प्लेस से संग्रह किए, कब, कोई कोई किसी अलग कंट्री से किया, अलग स्टेट से किया, तो उस जगह का नाम, वहाँ का एटमोसफेयर कैसा होगा, उस जगह के हिसाब से तो पता चलेगा ना कि वो पौधा या वो पादप उस जगह पर कैसे अनुकूलित सर्वाइव किया। ठीक है, मतलब जिया, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, तो इसलिए हम लोग संग्रह स्थल का नाम लिखेंगे कि वो कहाँ पाया जाता था। फिर देखेंगे पौधे का वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या होता है, वो सर्वमान्य होता है, इंटरनेशनल होता है, इसलिए वानस्पतिक नाम लिखेंगे कि कभी भी उसको अलग जगह के लोग अगर पढ़ते हैं या फिर उस अलग जगह के लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वानस्पतिक नाम रहेगा, तो उसको आसानी होगी उन चीज़ों को जानने में। पौधे का स्थानीय नाम, जिस स्थान से उसको संग्रह किया गया है, कलेक्ट किया गया है, उस स्थान पर उस पौधे का नाम क्या होता है उसको भी लिखेंगे। उसके कुल का नाम लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वंश और जाति अगर सेम होता है तो कुल में कोई चेंजेस हो जाता है, इसलिए कुल का नाम लिखेंगे। फिर संग्रहकर्ता का नाम लिखते हैं, संग्रहकर्ता कौन है, किसने इस हर्बेरियम फाइल को बनाना चाहा, किसने इस हर्बेरिया को संग्रह किया। ठीक है, फिर संग्रह करने का दिनांक, दिनांक लिखने का सिर्फ एक कारण ये होता है कि दिनांक लिखने से उस समय उपस्थित वहाँ के वातावरण के बारे में अगर हम लोग बहुत सालों के बाद भी उन फाइलों का अध्ययन करते हैं तो क्या होगा, जो दिनांक होगा उस समय के, उस दिनांक के अनुसार हम उस पौधे के हर्बेरियम से, मतलब उस पौधे के अनुकूलन का, सारे चीज़ों का पता किस दिनांक के अनुसार लगाएंगे, जिस दिनांक को यह संग्रह किया गया था। फिर प्रकृति लिखते हैं कि उस पौधे की, उस पादप की प्रकृति क्या है, कैसी थी, क्या है, सारे चीज़ों का डिटेल लिखेंगे हम लोग, तब इसको कहीं जाकर हम लोग बाद में बहुत सालों के बाद इसका अध्ययन करने से उस समय के बारे में सारी जानकारी, उस पादप के बारे में सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। ठीक है, हर्बेरिया का उपयोग व महत्व क्या होता है, हर्बेरिया का उपयोग का व महत्व ये होता है कि अगर हम लोग बहुत सालों के बाद भी किसी पादप के बारे में जानना चाहें या फिर विलुप्त जो हो चुके पादप के बारे में जानना चाहते हैं तो हर्बेरिया का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सारे, इसमें जो 8 टाइप के क्या होने चाहिए, क्राइटेरिया, 8 टाइप के प्रोसेस जो है, 8 चरण जो होते हैं, अगर उस डिटेल से सारे चीज़ लिखे होंगे तो उस समय का वातावरण, उस समय जो पादप उपस्थित थे वो, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान क्या होता है, एक गवर्नमेंट के द्वारा एक क्षेत्र तय किया जाता है
वहाँ पे अनेक सारे पौधे लगाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वंश, कुल, गण, संघ, सारे वर्गीकरण के अलग अलग टाइप के बहुत सारे पौधे होते हैं। बहुत बड़ा स्पेस होता है वहाँ पे, हर प्रकार के पादप लगाए जाते हैं और क्या किया जाता है उनके उनका पूरा अध्ययन क्या किया जाता है, उस पेड़ के स्थान पर, उस पौधे के स्थान पर, उस पादप के स्थान पर क्या किया जाता है उसका पूरा डिटेल लिखा होता है, जिससे क्या होता है लोगों को उस चीज़, उस पादप के बारे में संपूर्ण जानकारी और क्या होता है प्रत्यक्षदर्शी मिल जाता है। इसलिए वानस्पतिक उद्यान का गठन किया गया, वानस्पतिक उद्यान निर्मित किया गया, उसमें क्या होता है उसे सारे चीज़ें हम लोगों को उपयोगी और उपयोगी चीज़ों की जानकारी होती है, उपयोगी चीज़ों हम प्राप्त, उपयोगी चीज़ें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और उसकी संपूर्ण जानकारी वैज्ञानिक ढंग से हमको वैज्ञानिक प्रोसेस के अनुसार हमको मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे गार्डन हैं, जैसे अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो रॉयल बॉटनिक गार्डन क्या है, रीडिनबर्ग में है, हर कंट्री में, हर हमारे इंडिया में भी हर स्टेट में क्या है अलग अलग प्रकार के बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर देखेंगे यहाँ लखनऊ में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है नेशनल बॉटनिकल गार्डन नाम से, लॉयड बॉटनिकल उद्यान दार्जिलिंग में है। अगर आप एमपी में भी देखेंगे तो सागर में एक क्या बोलना चाहिए आपका, एक बॉटनिकल गार्डन है। इन सारे बॉटनिकल गार्डन में विलुप्त हो चुके और विलुप्ति के कगार में पहुँचने वाले सारे पादपों को इकट्ठा कर क्या कर देता है उसका संग्रह करके उस पौधे की वृद्धि और विकास के लिए क्या किया जाता है वातावरण तैयार किया जाता है।